नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हुए एक नए क्लास में, और आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे नागपुरी के कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियों के बारे में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से लोकोक्तियाँ हैं तथा उनका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला जो लोकोक्ति है वो है, उधो के लेना न माधो के देना। उधो के लेना न माधो के देना, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी से भी रिश्ता नाता नहीं रखना। तो इस तरह के लोकोक्तियाँ जो हैं वो आप लोग अक्सर सुने होंगे। गांव देहात में बूढ़े बुजुर्ग लोग इस तरह के लोकोक्तियों का उपयोग करते हैं, उधो के लेना न माधो के देना। इसके बाद जो लोकोक्ति है वो है, एरंडी कर खेत बगरेंडी कर खूंट। एरंडी कर खेत बगरेंडी कर खूंट, इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर के देखभाल के लिए उससे भी कमज़ोर व्यक्ति को नियुक्त करना। अगला जो लोकोक्ति है वो है, करनी न धरनी नाम सुवर्णी। तो इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति निकम्मा लेकिन उसका नाम बड़ा है। मतलब कोई व्यक्ति एकदम बिल्कुल यूजलेस है, मतलब उसका कोई काम का ज्ञान नहीं है लेकिन उसका नाम बहुत फैला हुआ है, या बहुत डींग हाँकने वाला व्यक्ति होता है। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, करनी न धरनी नाम सुवर्णी। अगला जो लोकोक्ति है वो है, आलू मटर गबर साइस ले पुतौ जबर। तो इसका मतलब क्या होता है, परिवार को अपने हाथ में लेने वाली बहू। अगला पॉइंट है, अपन हाथ जगरनाथ अनकर हाथ सर्वनाश। तो इसमें कहा गया है कि खुद पर भरोसा करके खुद का काम खुद ही करना चाहिए, दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए और खुद को ही महत्व देना चाहिए। इस तरह का कहने का कोशिश किया गया है इस लोकोक्ति के माध्यम से, अपन हाथ जगरनाथ अनकर हाथ सर्वनाश। अनकर मतलब होता है दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और दूसरों का हाथ मतलब उसमें सर्वनाश भी हो सकता है। अगला जो कहावत है वो है, अम्बा बरनाए काना तरनाए। अम्बा मतलब क्या होता है, आम होता है, अम्बा बरनाए मतलब आम जब बड़ा होने लगता है तो काना तरनाए, तो किसी अच्छी चीज़ को देखकर लालच करना। तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कोई अच्छी चीज़ उनको नज़र आ जाए तो उसको पाने के लिए वो इच्छुक होते हैं, या बिना मेहनत का ही पाना चाहते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा गया है, आंबा बरना है तो काना तरना है। अगला जो ना कहावत है, अबर में सब जबर। अबर में सब जबर, तो इसका मतलब क्या होता है, कमज़ोर को सब दबाता है, कमज़ोर आदमी को सभी लोग दबाने की कोशिश करते हैं। अगला लोकोक्ति है, अंधरी बिलाई धरे शिकार। अंधरी बिलाई धरे शिकार, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिना मेहनत के फल पाना। अगला लोकोक्ति है, अनारी खालक धान मूड़ में देलक टांग। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर धान के बदले भांग होगा। और तो इसका इस लोकोक्ति, ये क्या लोकोक्ति है, अनारी खालक भांग मूड़ में देलक टांग, तो इसका मतलब क्या है, बिना अकल के काम करना। अगला लोकोक्ति है, कहाँ हाथी कहाँ लूती। दोस्तों, हाथी एक बहुत बड़ा जानवर होता है, जबकि जो लूती बोलते हैं वो बहुत ही छोटा, मक्खी जैसा, मक्खी से भी छोटा होता है, तो उसको लूती कहा जाता है। तो हाथी और लूती में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इस चीज़ को इस लोकोक्ति के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि बहुत ज़्यादा जब कोई दो चीज़ में असमानता, बहुत ज़्यादा असमानता वाला व्यक्तियों या कोई भी वस्तु में कंपैरिजन किया जाता है तो इस लोकोक्ति का उपयोग वहाँ पर होता है। दोस्तों, अगला जो लोकोक्ति है वो है, घर कहे जा जा नदी कहे आओ आओ। मतलब घर बोल रहा है कि जाओ जाओ, फिर नदी अपने तरफ बुला रहा है। तो ये किस कंडीशन के लिए इस लोकोक्ति का उपयोग किया जाता है, जब व्यक्ति एकदम मरणासन स्थिति में हो, जब मरने वाला हो, तब इस लोकोक्ति का उपयोग किया जाता है। जब व्यक्ति मरणासन हो,
तो दोस्तों ये थे कुछ नागपुरी के जो प्रसिद्ध कहावतें या जो लोकोक्तियाँ थी उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा की हम लोगों ने। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कोई नए नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।